हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मायसेल्फ विक्की। और आप देख रहे हैं कोटियाजी व्लॉग। मेरा ना इंस्टेंटली प्लान बन गया है वैष्णो देवी जाने का। कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि माता के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, लेकिन अचानक ही एकदम से प्लान बना। टिकट वगैरह कंफर्म हो गई, सब कुछ है, बस से जा रहा हूँ, वोल्वो बस से। तो बिल्कुल अचानक ही प्लान बन गया था मेरा। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, उसी ने ही टिकट करवाई है, उसी ने ही प्लान बनाया था। बस ये देख लो, माता रानी का चमत्कार था तो उन्हें बुलाना था, तो चलते हैं दर्शन के लिए। अभी बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। घर जाते ही ना बैग पैक करके सीधा मैं यहाँ से निकलूंगा अपने पिकअप पॉइंट पे। मिलते हैं सीधे आपसे घर पर। जय माता की। तो गाइज, यहाँ से ना हम ऑटो करेंगे मजनू के टीले के लिए, जहाँ हमारा पिकअप और बोर्डिंग पॉइंट है रेड बस का। तो चलो वहीं पर आपसे मिलता हूँ, सीधा वहीं जाके। तो वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ से ना मैंने अभी टैक्सी करी है, और बिल्कुल जस्ट अभी टैक्सी मिली है। काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ था, ना कोई ऑटो था ना कोई बस थी। तो गाइस, अपना ना बोर्डिंग पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हमारा पिकअप पॉइंट है लक्ष्मी हॉलीडेज। आप जैसे मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, और अभी ना 10:50 पे हमारी बस आने वाली है, और इंतजार कर रहे हैं उसका ये अपना भाई डीडी। तू बोल ले पहले। गजब बेइज्जती है। ये अपना भाई डीडी है, ये अपना पुराना मित्र है। तो इसी के साथ मैं ना माता के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा नजारा होने वाला है ना। जय माता की। जय माता दी। तो भाई अभी ना बस रुकी है थोड़ा जलपान के लिए। तो भाई घर से रोटी वोटी लेके आए थे, तो अपना खाते हैं खाना वाना और लेते हैं नज़ारा। मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा होटल का। टाइम हो गया 12:50, और बाहर ना इतनी ठंड है ना, मैं क्या ही बताऊं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं ना, यहां पर आपको मेरे ख्याल से 3 या 4 टेम्परेचर तो होगा। और आप पीछे देख सकते हैं ना कितना कोहरा है, और पूरा पीछे आप देख सकते हैं, फुल एंजॉय हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि रात के 12:30 बजे हैं, 12-1 बज रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है दिन का टाइम है, शाम का, इवनिंग का। और लोग अपने अपने घरों से निकले हुए हैं। ये सारे ड्राइवर साहब आगे हैं, और इन्हीं की गाड़ी में हम जा रहे हैं आगे, पूरी तैयार होके। अब हम यहाँ पर ये देखिए, तो भाई 7 बज रहे हैं, और बाहर का नजारा है ना, कोहरा हो रहा है, कोहरा, फुल फॉग, ठंड है ना, पूरा नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस टाइम हो गया है 8:29, और ठंड देख रहे हैं आप, कोहरा ना इतना है मैं क्या ही बताऊं, और ठंड ना अपना अलग ही लेवल पे है। अभी हम पहुंच गए हैं, ये हमारे ड्राइवर साहब बताएंगे कहाँ पहुंच गए हैं। ये हम पंजाब पठानकोट के पास मुकेरिया एक शहर है, वहाँ पहुंच चुके हैं। तो कितनी दूर रहेगा पठानकोट? 30 से 35 किलोमीटर पठानकोट रह गए। तो गाइस सुबह सुबह ना अभी थोड़ा सा ना यहाँ पर चाय नाश्ता के लिए रुके हैं, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या नज़ारा है। और बाकी ठंड ना अलग ही लेवल पे है, मैं क्या आपको बताऊँ।
तो गाइस 15 मिनट का ना यहाँ पर ब्रेक लिया है, इसमें हम चाय पी रहे हैं। ज़्यादा टाइम खाएं तो चाय पी सकते हैं। ये देखो अपनी गर्मा गर्म चाय है। चाय भी एक नंबर है। चाय एक नंबर है, बढ़िया पक्की बात। चलो चक्के देखते हैं चाय के। दो वीडियो चाय की वीडियो तो दिखा दो। ये भाई चाय की वीडियो दिखाओ। ये देख चाय एक नंबर है। चाय एक नंबर है, फुल अदरक वगैरह डाल के बनाइए भाई ने। और बाहर का नज़ारा ना ठंडा ठंडा, और एक चाय मिलती उसके बाद नज़ारा ही अलग है। तो गाइस पूरा आराम करते हुए जा रहा हूँ, और ये अपना कैबिन है, कुछ इस तरीके का दिखता है, दिखा देता हूँ मैं। पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, फुल अंदर पैक हुआ पड़ा। ये अपनी विंडो है, अपना चार्जिंग पॉइंट है। अभी तक की ना ये सबसे बड़ी टनल थी। बहुत सारी टनल आ चुकी हैं, जा चुकी हैं, लेकिन ये वाली टनल है ना सबसे बड़ी टनल है। ये देखो क्या घुमावदार टनल है, और ये रोशनी जो दिख रही है ना यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। ओए होए होए होए, आ गया ना स्वाद। तो गाइज यहाँ पर पहुँच चुके हैं कटरा यहाँ पर हम, और
पार्किंग्स है ना, हमने अभी अभी ऑटो किया है जो कि 160 रुपए लिए हैं। वो कार्ड वगैरह भी बनवाएंगे और अपना सीधा बिल्कुल मेन गेट पर छोड़ देंगे। और दिखाता हूँ आपको बाहर से एक बार नज़ारा। तो गाइस ये अपना फुवारा चौक आ चुका है और यहाँ से यात्रा पर्ची वगैरह क्या मिलती है वो देखते हैं। क्या नज़ारा ये देखो, ज़्यादा वीडियो का गाइज ये है फुवारा चौक कटरा का, बहुत फेमस है। अरे जम्मू अच्छी जम्मू जम्मू।